ये था द्विज को हम लोगों का यम द्वितीया का चित्रगुप्त जी का पूजन करने का कारण। ऐसे ही कायस्थ लोग इतने से ब्रिलियंट है तो ऐसे ही तो पूजा नहीं करेंगे, तो उसका ये बेसिकली में कारण था। नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, चित्रगुप्त पूजनोत्सव की आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, इसी के साथ साथ भैया दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का बहुत सारा प्रश्न ये होता है कि आप स्वयं में कायस्थ हैं, श्रीवास्तव हैं, और उसके बावजूद जो है आप हम लोग जो प्रश्न करते हैं कायस्थों के बारे में उसका कोई रिप्लाई आप नहीं करते हैं, बाकी सब वीडियो आप बनाते हैं और कायस्थों की आप बड़ी उपेक्षा करते हैं। बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। और आप लोगों के जो मुख्यतः प्रश्न होते हैं वो तीन प्रश्न हो, चार प्रश्न होते हैं, उन चारों का हम आज अभी जवाब दे देते हैं, सारी आपकी जो हमसे शिकायत है दूर हो जाएगी। लेकिन वो जवाब आप लोगों को कितने स्वीकार होंगे इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते हैं। पहला आप लोगों का जो प्रश्न होता है कि क्या कायस्थ जो होते हैं वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ होते हैं, या कायस्थ जो होते हैं वो दलित होते हैं, मतलब कि कायस्थों की जाति जो है वो इन चार वर्णों में कौन सी है। तो आपको बता दें, हिंदू धर्म के हिसाब से कायस्थ जो हैं किसी वर्ण में नहीं आते। लेकिन यहाँ पे हम आपको एक चीज़ ये बता दें कि काशी के जो ब्राह्मण हैं उनके हिसाब से उन्होंने 1789 मतलब 1779 AD में एक पेशवा के दरबार में काशी के ब्राह्मणों ने स्टेटमेंट दिया था, रिप्लाई दिया था, और वो रिकॉर्डेड है कि जो कायस्थ लोग हैं वो ब्राह्मणों से और क्षत्रियों से श्रेष्ठ है। तो इस तरह का एक रिकॉर्डेड वो है। और चूंकि काशी के ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं ज्ञान के मामले में, धर्म के मामले में, इसलिए इस चीज को माना जाता है। अब दूसरी बात आती है कि क्या शूद्र हैं कायस्थ लोग, क्या शूद्र होते हैं? तो निश्चित रूप से कायस्थों को आप शूद्र भी कह सकते हैं। शूद्र इसलिए आप कह सकते हैं क्योंकि इसी देश में एक हाई कोर्ट ने इस तरह की एक जजमेंट दी थी जिसमें बताया था कि कायस्थ को कि ये जो है शूद्र। तो ये दोनों चीजें जो हैं इसी देश में दो एक कोर्ट ने बताई है और इसी तरह की एक जो स्टेटमेंट है वो जो यहाँ का सबसे प्रबुद्ध वर्ग है ब्राह्मण, और वो भी काशी के ब्राह्मणों का समूह जो है वो जो है एक पेशवा के दरबार में इस तरह की अपना रिप्लाई दे चुका है और वो रिकॉर्डेड चीज है, उसमें कहीं किसी तरह की दुविधा नहीं। लेकिन मेरे अनुसार कायस्थ जो होते हैं वो हिंदू होते ही नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति हिंदू है ही नहीं, मतलब हिंदू धर्म के नहीं होते, हिंदू तो पूरा देश हम लोगों का है, जो भी यहाँ पे रहता है सब हिंदू है, तो हिंदू धर्म के जो व्यवस्थाएं हैं, जब आप हिंदू धर्म के हैं ही नहीं तो आप हिंदू धर्म की व्यवस्था में कैसे एडजस्ट होंगे। इसीलिए जो वो हैं कायस्थ लोग हैं वो हिंदू धर्म के न होने की वजह से हिंदू धर्म की जो वर्ण व्यवस्था है उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते, और नहीं होना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए जैसे बहुत सारे जैन लोग, बहुत सारे सिख लोग, बौद्ध लोग, बहुत सारे और भी जो भारत के अलग अलग छोटे छोटे धर्म हैं, तो वो जिनको हम लोग कहते हैं धर्म जबकि वो पंथ होते हैं, तो वो सारे धर्म जो होते हैं वो हिंदुओं के त्यौहार, हिंदुओं की व्यवस्थाएं, हिंदुओं के रीत रिवाज सब मानते हैं या मनाते हैं, या काफ़ी उसमें कुछ मनाते हैं कुछ नहीं मनाते हैं। इसी तरीके से कायस्थों के भी साथ है। कायस्थ मूलतः जो है हिंदू धर्म के नहीं है, लेकिन इनको जबरदस्ती एक तरीके से हिंदू धर्म के अंदर डाल दिया गया, एडजस्ट कर दिया गया। तीसरी बात यह है, एक प्रश्न आप लोगों का होता है कि जो कायस्थ लोग हैं उनको काफी सारे लोग जो हैं कहते हैं कि ये लोग आधे मुसलमान हैं, ठीक। तो ये भी एक प्रश्न है, बच्चों का होता है अक्सर, स्कूल में कॉलेज में बताया जाता है उनको। हम लोग तो जब पढ़ते थे तो टीचर भी काफ़ी थे इस तरह के, मतलब थे टीचर लेकिन उनका ज्ञान उतना ही सीमित था, तो वो लोग भी कह देते थे कि भाई कायस्थ जो हैं वो तो आधे मुसलमान होते हैं। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे उसका भी कारण है कि क्यों इस तरह से कहा जाता है कि कायस्थ जो हैं आधे मुसलमान होते हैं।
देखिए, जब राजाओं का यहाँ पे शासन था भारत में, तो कायस्थ जो थे, बहुत उनके कई राजाओं की सत्ता भी थी, कायस्थ लोगों की भी सत्ताएं थी, अलग अलग पूरे देश में थी। एक समय वो रूलर भी थे, बाद में कायस्थ लोग जो हैं सब राजाओं के प्रिय भी हुए, और जो राजाओं का वजीर वाला काम आप समझ लीजिए, या मंत्री वाला जिसको आजकल के हिसाब से, या हिसाब किताब रखने वाला काम समझ लीजिए, वो ज़्यादातर काम जो था वो कायस्थ ही करते थे। उसके बाद जब मुगलों का आक्रमण हुआ भारत पे, तो जब मुगलों का आने के बाद क्या हुआ कि सत्ता तो चली गई राजाओं की, लेकिन रिकॉर्ड तो रखने ही थे, जमीन की तो देखभाल करनी ही थी, लोगों से लगान तो लेना ही था, पूरा सिस्टम तो चलना ही था। तो सिस्टम ना ब्रेक होने पाए, सिस्टम ना टूटने पाए, इसलिए मुगलों ने भी वो जो काम काज चल रहा था कायस्थों के द्वारा, उसको कहीं डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ पे एक और हम आपको विशेष तौर पे बात बता देते हैं कि जब मुगल आए भारत में, और बहुत सारे जो उस समय धर्म परिवर्तन का मामला हुआ, बहुत सारे लोगों ने धर्म परिवर्तन किया अपना उस समय, और उसके बाद भी कायस्थ जो है बहुत मुसलमानों के बहुत करीबी रहे। उसका कारण था, जितने राजा थे उनको कायस्थों की आवश्यकता थी, क्योंकि उनको रिकॉर्ड रखना था। और कायस्थों की एक सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि कोई भी चीज़, आज भी उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि कोई भी चीज़ ग्रैप्सिंग पावर बहुत अच्छा होता है, तो उन्होंने चीज़ों को सीखना बहुत जल्दी होता है। तो जैसे ही आए मुगल लोग, उनका मामला बनने लगा यहाँ, तो इन लोगों ने अरबी और फारसी भी सीख ली कायस्थों ने। तो उससे क्या हुआ कि पूरा जो उनका वो अरबी फारसी में, और जो यहाँ भारतीय भाषाओं में लिखा हुआ था, उसको उन्होंने बताना भी उनको शुरू कर दिया कि भाई ये ऐसा है, ट्रांसलेट करना भी। आप देखेंगे जो सबसे कम कन्वर्जन हुआ हिंदू, ये जो तथाकथित हिंदू धर्म से और इसमें इस्लाम में, वो कायस्थों का सबसे कम कन्वर्जन हुआ। उसका भी कारण था, कायस्थों का कम कन्वर्जन होने की वजह से, क्यों, रहते वो थे लेकिन वो धर्म के प्रति बहुत कट्टर थे। और हम आपको बता दें, ये जो सब चीज़ें हैं हम आपको बता रहे हैं, उसको हमने, हमारे एक मित्र हैं, बड़े परम मित्र हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है इस्लाम का और मुस्लिम हैं वो, तो उनसे एक दिन बात हो रही थी हमारी, तो बात होने होने में उन्होंने कहा कि प्रशांत जी, आप कुछ बात हो रही थी हम लोगों की वर्तमान राजनीति के हिसाब से, तो कहे कि नहीं नहीं आप तो नहीं मानेंगे, क्योंकि तो हम कहे क्यों ऐसा, आप इस तरह क्यों कह रहे हैं, तो हमने, उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों का मतलब कि मुसलमानों का, इस्लाम मानने वालों का ये मानना है कि हिंदू धर्म में जो सबसे कट्टर जाति है वो कायस्थ, आप लोग जो होते हैं वो ब्राह्मणों से भी कट्टर होते हैं। हम लोगों के यहाँ ऐसा कहा जाता है कि कायस्थ जो होते हैं वो सबसे जो है कट्टर होते हैं अपने धर्म के मामले में, अपने धर्म का दिखावा नहीं करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कट्टर होते हैं। तो हम कहे अब ठीक है, आप लोग मानते हैं इस तरह। तब उन्होंने हमको पूरा डिटेलिंग किया कि कायस्थ जो है, जब तक मुगल विदा हुए हैं यहाँ से, और उन्होंने मतलब बड़ा अच्छा हमको समझाया, हम बड़े उनके इस मामले में ज्ञान दिया अच्छा उन्होंने, जब तक मुगल हम लोगों के यहाँ, फिर हमने भी इस चीज़ में स्टडी की, तो सच बात यही थी कि जब तक मुगल यहाँ से विदा हुए, यहाँ तक कि मुगलों ने कायस्थों के, जिसे आप देखेंगे लखनऊ में कायस्थों के उन्होंने पूरे मोहल्ले बसाए जो उनके यहाँ कारिंदे थे, इसी तरीके से लखनऊ के बगल में एक शहर है वो बाराबंकी, छोटा सा शहर, तो वहाँ पे उन्होंने, उनका जो जमींदारी थी या जो उनका काम था देखने के लिए, वहाँ पे पूरा एक शहर बसा दिया छोटा सा, बाराबंकी नाम का, तो अभी बाराबंकी नाम है उसका। तो उस शहर में पहले की जो आबादी थी वहाँ सिर्फ दो ही कास्ट थी, या तो मुसलमान या तो कायस्थ। उसका कारण क्या था, इसका कारण ये था कि जो कामकाज था मुगलों का वो कौन देखता था, वो कायस्थ लोग देखते थे, तो उनकी पूरी एक तरीके से उन्होंने कॉलोनी बना दी, पूरा एक शहर बसा दिया, भाई ठीक है आप लोग वहाँ रहिए, आप परिवार से रहिए। लेकिन वो कायस्थ आज भी वहाँ रह रहे हैं मुगलों के जमाने से लेकर आज तक, और लेकिन उन्होंने कभी भी इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, और मुगल जो थे उन्होंने कायस्थों को फोर्स भी नहीं किया बहुत ज़्यादा कि नहीं तुम इस्लाम स्वीकार ही कर लो। हाँ, कुछ लोग इस तरीके से थे कायस्थों में जो थोड़ा सा मोटिवेट हो गए, अपने मन से उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया, तो उस तरह के भी कायस्थ रहे समाज में, इस तरह ऐसा नहीं कि एकदम किसी ने नहीं किया, लेकिन सबसे कम जो था कन्वर्जन वो कायस्थों का हुआ। अब हम आपको बता देते हैं कि कायस्थ लोग जो हैं, जो ये चित्रगुप्त जी का जो पूजन करते हैं वो द्विज के दिन या द्वितीया के दिन क्यों करते हैं, उसका क्या ज्योतिषीय आधार है। जो डार्केस्ट नाइट मानी जाती है, सबसे अंधेरी रात, वो अमावस्या की मानी जाती है।
तो ये वाली दिवाली वाली, तो उसमें क्या होता है कि जब आप पूरा एक साल के अंदर सबसे अंधेरा जो रात आई हो गई, ठीक। इसीलिए आप देखेंगे कि आज भी शेयर मार्केट का जो काम होता है, मुहूर्त जो होता है, पूजन होता है, जो क्लोज होता है और नया शुरू होता है, वो दिवाली के दिन ही लोग करते हैं। अपनी बही जो होती है, व्यवसायी वर्ग जो है अपनी बही जो सही करता है, शुरुआत करता है, पुराने जो हिसाब किताब होते हैं, ये विशेष रूप से आप देखेंगे तो जैनियों में ये विशेष रूप से मान्यता है कि दिवाली के दिन वो जो भी उधार लिया हुआ है या जो भी किया हुआ है, वो सारे जो अपने लेन देन है उसको क्लोज करते हैं, कि नया जो आने वाला है, डार्केस्ट जो है वो क्लोज हो रहा है, अब हमको नई धन संपत्ति, नई सुख समृद्धि मिले। इसीलिए फिर दूज से जो है, वो जो दूज का चंद्रमा होता है, इसीलिए दुनिया में सिर्फ एक ही वो है कम्युनिटी है, भारत में कम से कम आप कह सकते हैं, दुनिया में भी आप कह सकते हैं, जो क्योंकि उनके पास दिमाग था कि हाँ ये जो दिन है सबसे अच्छा है, इसी दिन से हम लोग जो है अपनी शुरुआत करते हैं, इसलिए यम द्वितीया का दिन चुना गया। जैसे हम लोगों के हैं चित्रगुप्त महाराज को हम लोग मानते हैं, तो उनको जो है हम लोग स्मरण करके आगे की जीवन जीने के लिए भी अब नया, और यहाँ पे चांद जो होता है वो फिर हमने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस समय हम लोगों का मन नया चांद होता है, दूज का चांद होता है, तो मन भी शुद्ध होता है, आत्मा भी शुद्ध होती है। ये हम आपको ज्योतिष आधार पर बता रहे हैं, मन भी शुद्ध होता है ज्योतिष आधार पर अगर आप देखें, आत्मा भी शुद्ध होती है, और वैभव लक्ष्मी इन सब चीज़ों के लिए भी आने का बहुत अच्छा वो रहता है, प्रॉस्पेक्ट्स रहते हैं जो हम लोग दूज की पूजा करते हैं। तो मित्रों ये था दूज को हम लोगों का यम द्वितीया का चित्रगुप्त जी का पूजन करने का कारण। ऐसे ही कायस्थ लोग इतने से ब्रिलियंट है तो ऐसे ही तो पूजा नहीं करेंगे, तो उसका ये बेसिकली में कारण था। और बाकी भी हमने आपको जो प्रश्न थे आपके उसका रिप्लाई दे दिया। हमें अब लगता है कि आप सब लोग संतुष्ट होंगे। मित्रों इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, पुनः किसी नए वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक लिया गया दीजिए, नमस्कार।